हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस कॉमन डाउट्स ऑफ स्टूडेंट सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों के माइंड में रहता है कि क्या सर लिम्फ जो है वो क्लोट हो सकता है, जैसे ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोट होता है। तो चलिए, इस पॉइंट को समझने से पहले हमें लिम्फ और ब्लड के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो ये देखो, ये है हमारे पास ब्लड और ये है लिम्फ। देखिए, ब्लड के अंदर जो है आरबीसी प्रेजेंट होती है, जबकि लिम्फ के अंदर आरबीसी एबसेंट होती है। ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं, जबकि लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लार्ज अमाउंट में कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जबकि लिम्फ के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट थे, इसी कारण से इसका कलर क्या था, रेड कलर था, जबकि लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट थे, इस कारण से इसका कलर हो गया हमारे पास कलरलेस। ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है ओवरऑल देखे तो उसका नंबर कम होता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो फैक्टर जो ब्लड क्लोटिंग करवाने में हेल्प करते हैं उनको बोला जाता है क्लोटिंग फैक्टर। और ये जो फैक्टर होते हैं ये मोर अमाउंट में, मोर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि लिम्फ के अंदर जो ये क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में भी ये प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, सो दे आर प्रेजेंट इन लेस कंसंट्रेशन। तो ध्यान देना बच्चों, ब्लड और लिम्फ दोनों के अंदर ही क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि लिम्फ के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। दोनों के अंदर ही क्लोटिंग फैक्टर की प्रेजेंस होने के कारण ही दोनों क्लोटिंग शो करते हैं, सो ब्लड की भी क्लोटिंग हो सकती है और लिम्फ की भी क्लोटिंग हो सकती है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस होने के कारण इनकी क्लोटिंग टाइम में भी डिफरेंस होगा। जहां पर ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो इनका क्लोटिंग टाइम है जो वो कम होता है, मींस ये बहुत जल्दी क्लोटिंग शो करेंगे या ब्लड बहुत जल्दी क्लोट हो जाएगा, जम जाएगा, जबकि लिम्फ जो है यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है जिसके कारण इनका क्लोटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ब्लड। सो लिम्फ जो है वो क्लोट होने में ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो आंसर होता है हमारे पास यस, लिम्फ कैन क्लोट लाइक ब्लड, क्योंकि इसके पास भी क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।